प्रदेश के नवाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध टोंक में भी ईद का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। टोंक की बड़ी ईदगाह में मौलवी सईद साहब के नेतृत्व में अकीदतमंदों ने ईद उल फितर की नमाज के साथ ही खुदा की इबादत में सर झुकाते हुए प्रदेश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस मुबारक मौके पर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुल्क और पूरी आवाम टोंक का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हमारे यहाँ पूरे मुल्क में अमन और चैन रखे और रब्बुल आलमीन। और आज हमारी ईदगाह कमेटी भी बहुत मुबारकबाद है जिन्होंने इतना अच्छा इंतजामिया किया और सभी लोगों का इसमें कॉपरेशन रहा है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब यहाँ का इंतजाम कमेटी ने भी बहुत अच्छा किया, प्रशासन ने भी किया, नगर परिषद ने भी किया और तमाम जितने भी हमारे से ताल्लुक के लोग हैं उन्होंने किया और वहाँ बहुत आसानी और बहुत सहूलत के साथ हमने नमाज अदा की। उसको हमने देख लिया होगा।